नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएटी 2019 परीक्षा के बारे में। मैं आपको बता दूं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में जो भी जरूरी जानकारी सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या है एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा की दिनांक क्या है, ठीक है, और आरक्षण का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे पेपर में, कितने मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, पाठ्यक्रम कौन कौन से कोर्सेज में आपको प्रवेश मिल सकता है परीक्षा के माध्यम से, तो सब कुछ आज मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन इसका कब स्टार्ट होगा, ठीक है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों वह 30 मई 2019 से 13 जून 2019 तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे इसके फॉर्म? 30 मई 2019 से 13 जून 2019 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट और एप्लीकेशन डेट दोनों बता दिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसका आवेदन पत्र में संशोधन के लिए डेट क्या है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं फॉर्म भरने के दौरान तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट है वह है 30/5/2019 से 18/6/2019। तो दोस्तों 18 जून 2019 तक आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी परीक्षा कब होगी, ठीक है। परीक्षा दिनांक के बारे में हम बात करते हैं। जो परीक्षा होगी वह होगी 29 जून 2019 और 30 जून 2019 को, ठीक है। शनिवार और रविवार के दिन इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी 29 और 30 जून को, ठीक है, और दो पाली में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। सुबह की पाली के लिए जो रिपोर्टिंग समय रहेगा वह रहेगा 7 से 8 का। दोपहर की पाली के लिए जो रिपोर्टिंग समय रहेगा वह रहेगा 12 से 1 बजे तक का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ₹500 और SC ST OBC तथा अन्य के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, ₹250। इसके अलावा दोस्तों अनारक्षित अभ्यर्थी और SC ST OBC सभी के लिए पोर्टल शुल्क समान लगेगा। अगर आप किसी भी क्योस्क MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो ₹50 आपको पोर्टल शुल्क लगेगा, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो ₹30 पर पोर्टल शुल्क लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो टिप्पणियां हैं मैं आपको बता दूं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर फिर कुछ एग्जाम के दौरान जो जरूरी जानकारी रहती है वह दी हुई है कि आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, और आपको एक मूल फोटो एक पहचान पत्र ले जाना होगा एग्जाम के दौरान, अपना एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जिन भी छात्रों ने 10+2 की परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास कर ली है तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आरक्षण का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 21% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण रहेगा, ठीक है। परीक्षा का माध्यम जो रहेगा वह ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन होगी। कुल प्रश्नों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुल 200 प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स का यह पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं रहती है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से आप निष्फिक्र रहिएगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको कौन कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा इस परीक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो आपको BSc एग्रीकल्चर में प्रवेश मिल सकता है, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर। इसके अलावा BSc उद्यानिकी, BSc वानिकी और BTech जो एग्रीकल्चर से BTech होता है इन कोर्सेस में आपको प्रवेश मिल सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों
इस परीक्षा में अलग अलग ग्रुप से स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग मैथ ग्रुप वाले होते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर ग्रुप वाले होते हैं, और कुछ लोग बायोलॉजी ग्रुप वाले होते हैं। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि जो पेपर होता है वो अलग अलग सेट होता है। मैथ ग्रुप वालों के लिए दोस्तों पेपर में गणित, ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए पीसीएमबी करके एक पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, और एक पेपर होता है AG2+3, ठीक है, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं उनके पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे। दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके आप और भी जो जरूरी जानकारी है देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन में जो लिंक दी है उसके माध्यम से आप इस परीक्षा संबंधित और भी जो जरूरी जानकारी है देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।